जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। सुबह के बज रहे हैं 7 और ये देखिए टमाटर। और ये देखिए पत्तों से ज़्यादा हरी मिर्च है इसमें, देख रहे हैं पत्तों से ज़्यादा हरी मिर्च है। और मैं आपको अंगूर दिखाती हूँ। देख रहे हैं ये मीठे वाले अंगूर हैं, ये अंदर बहुत सारे हैं। देखिए ये नीचे है, उधर भी है, इधर भी है, ये इधर भी है। देख रहे हैं अंगूर, आप भी अपने घर में घर के गमले में लगा सकते हैं ये अंगूर। और ये मीठे वाले हैं, ये अनार है, और ये फूल देखिए। फ्रेंड्स क्या आपको पता है ये जो हिबिस्कस के फ्लावर्स है ना, इसको जो गुलहड़ का फूल भी बोलते हैं, ये बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये देखिए एक फूल गिर गया है, ये अभी मैं माता रानी को चढ़ाऊंगी क्योंकि नवरात्र का आज 7वां दिन है और हमारा व्रत चल रहा है आज। तो देखिए ये फूल मैं अभी तोड़ूंगी, और जो ये फूल है ना सूखे हुए गुलहड़ के फूल, इसको आप किसी भी तेल में डाल दीजिए, जो भी आप सर में लगाते हैं उससे गंजापन दूर होता है, बाल झड़ने रुक जाते हैं, बालों की बहुत अच्छी ग्रोथ होने लगती है। तो मैं इसको फेंकती नहीं हूँ, मैं इसे रख दूँगी। गुलाब के फूल सूख गए थे तो इसका मैं हर्बल हेयर ऑयल बनाऊंगी। हेयर ऑयल की रेसिपी मैंने बहुत बार दिया है। देखिए टमाटर, मैं क्या करूं, इतने सारे रोज टमाटर हो जाते हैं। ये देखिए फूल, आज बहुत सारे फूल निकले हैं जो कि हम लोग मैया रानी को अर्पित करेंगे। कल मैं गई थी माता कात्यायनी छतरपुर मंदिर, उसकी वीडियो मैं अभी आज अपलोड करूंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। कल माता रानी का 6ठा दिन था और माँ कात्यायनी का दिन है, 6ठे दिन माँ कात्यायनी का स्वरूप की पूजा की जाती है, इसलिए हम मंदिर गए थे। और ये देखिए मैं क्या करूं इतने सारे टमाटर का, आज वो अंकल भी नहीं है छत पे, नहीं तो उनको दे देती, नीचे आंटी को दूंगी। नीचे आंटी हैं उनको टमाटर दूंगी क्योंकि रोज इतने टमाटर हो जाते हैं। और हमारा व्रत चल रहा है तो हम कोई सब्जी बना ही नहीं रहे हैं ताकि टमाटर यूज हो। और ये है इलायची का पौधा, और हाँ ये देसी है ना। आधा टैंक है वैसे, छोड़ दो।
मैं तो चांदनी चौक जाऊंगी ना आज। बाबू है रहेगा नहीं, रहने दीजिए, आज क्या है मंडे, रहने दीजिए, मैं तो कल कपड़े धोऊंगी ना, रहने दीजिए, थोड़ा सा भर दीजिए, छोड़ दीजिए। और ये देखिए दोस्तों, हरी मिर्च, बहुत सारे हरी मिर्च है, जो वो सूखे लाल मिर्च होते हैं ना, उनके बीज आप निकाल के किसी भी गमले में डाल देंगे ना, तो ये देखिए बहुत सारे हरी मिर्च है। ये एक ये पौधा है, ये देखिए, देख रहे हैं? मेरे आस पड़ोस कोई भी जो वीडियो देख रहा है, अगर उनको हरी मिर्च चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं उनको हरी मिर्च दे दूंगी, टमाटर दूंगी, और अंगूर में अभी टाइम है तो अंगूर भी दूंगी। और ये महादेव के फेवरेट फ्लावर्स है बाबा रे, इसमें मधुमक्खी थी। इधर भी टमाटर, ये देखिए दोस्तों, ये डाली एकदम सूख गई है, पता नहीं कहाँ से ये टमाटर है, इसमें ये टमाटर है और ये सूख गया है, देख रहे हैं? और ये तो बिल्कुल ही सूखा हुआ है, टूटने वाला है, फिर भी टमाटर है, पक भी जाता है। ये पुदीना है, जिस तरह से गार्डनिंग होनी चाहिए ना दोस्तों, मैं कर नहीं पाती, वरना मुझे बहुत सारी सब्जियां उगानी थी इसमें। ड्रम स्टिक होता है ना सहजन, उसके बीज डालने हैं, वो भी बहुत आयुर्वेद में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है उससे, उनके पत्तों से। ये देखिए मैं मंजेरी तोड़ रही हूँ, क्योंकि माता रानी बहुत कष्ट में होती हैं अगर मंजेरी तुलसी के पौधे में हो, पहले इनको तोड़ देना चाहिए, देखते ही जब भी आप की नज़र मंजेरी पे पड़े तो आप तोड़ दें, माता रानी कष्ट में होती हैं, देख सकते हैं मैंने तोड़ दिया सारा। देख रहे हैं इतने सारे मंजीरे, और ये सूख के फिर से तुलसी जी आ जाएंगी? नहीं, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और दिल्ली की मैं हालत क्या ही बताऊं, ये आप इसको पॉल्यूशन बोल सकते हैं, ये कोई फॉग वॉग नहीं है, ये पॉल्यूशन है। दोस्तों मैं ऊपर चलूं क्या, इस पे चढ़ूं? अगर मैं गिर गई तो जिम्मेदारी कौन ले सकता है, कोई नहीं लेगा, लेकिन मैं चढ़ के आपको ऊपर का व्यू दिखाती हूँ। क्योंकि यहाँ पे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन, छत पे नहीं तो मैं इनको टमाटर देती, देख सकते हैं ये मेरे छत का व्यू, मैं आपको पूरा छत का व्यू दिखाती हूँ। और दोस्तों कबूतर ने अंदर इसमें अंडा दिया हुआ है, इसके अंदर दिख रहा है आपको, देखिए
टाइल्स के नीचे अंदर अंडा दिया हुआ है कबूतर ने। मैं इसको इधर ऐसे कर देती हूँ। दो अंडे दिए हैं कबूतरों ने, बच्चे भी पैदा करेंगे। धूप में गर्मी से फूट नहीं जाएंगे हैं? ये इसकी मम्मी है। दोस्तों मैं अब नीचे उतरूंगी, देख सकते हैं मैं नीचे उतर रही हूँ। और मैं उतर गई। और ये किस चीज़ का पौधा है बताइए, मैं आपको बता देती हूँ। ये गिलोय है। जो कि डेंगू के लिए बहुत फ़ायदा है। अगर किसी को भी फीवर हो और इसका इसको टहनी को उबाल के तोड़ के टहनी को और 10-15 मिनट उबाल दें, दो ग्लास पानी में इसकी पूरी टहनी तोड़ के डाल दें और उबाल के पिए, तो जो हमारी बॉडी में वाइट प्लेटलेट होता है उसको बढ़ाता है ये। और ये देखिए टमाटर, देखिए ये अंगूर का छोटा सा ही पौधा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत सारे अंगूर निकल रहे हैं, अंदर बहुत सारे हैं। ये अनार है, आज सोमवार है तो बेलपत्र भी तोड़ लेते हैं। बेलपत्र, ये रहा बेलपत्र, ये अभी हुआ नहीं है, इसमें आज बेलपत्र नहीं निकला, आज बेलपत्र नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है, आज मंडे है और मंडे को मुझे बेलपत्र चाहिए होता है, ऐसे कैसे आज बेलपत्र नहीं है। दोस्तों कोई बात नहीं, हम महादेव को ये फूल चढ़ाएंगे। और फूल ले लेते हैं माता रानी की पूजा के लिए। ये टमाटर बिल्कुल पक गए हैं, तोड़ लेती हूँ। इनको रहने देती हूँ, इतना तोड़ लेते हैं। किसका बीज डाल रहे हैं पता नहीं, ससुर ने क्या दिया था, निकलता तो कुछ है नहीं इसमें। किस ससुर ने दिया था ए? किस ससुर ने दिया था? ससुरा क्यों बोलते हैं आप? ससुरा
क्या है ये? ये तो कौन सी वर्ग ये मत डालिए, बेकार होता है ये, उखाड़ देंगे। नहीं मत डालिए मत ना। दोस्तों पता है ये टमाटर जब सड़ता है तो मैं डाल देती हूँ, तो देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ है, और ये खरीद के डालते हैं तो नहीं होता वो। ये हरी मिर्च, लाल मिर्च डालती हूँ तो ये हरी मिर्च हो जाता है। ये देखिए ये माता रानी के फूल तोड़ रही हूँ मैं। डालो नहीं, अंगूर में डाल दीजिए, पत्ती निकलेगा, वो कीड़े होते हैं मत डालिए है। उधर उस वो गमला खाली है उसमें डाल दीजिए। देखिए दोस्तों रोज इतने फूल निकल जाते हैं, मुझे फूल तोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ये माता रानी को बहुत पसंद है, दुर्गा माँ को स्पेशली बहुत पसंद है ये फूल, माता रानी को यही फूल चढ़ता है, तो मैं यही फूल तोड़ूंगी और कोई फूल नहीं तोड़ूंगी। टमाटर आप क्या कहना चाहते हैं, तोड़ लूँ क्या या कल तोड़ूंगी? इसको तोड़ लेती हूँ, देखिए ये कितना छोटा सा है। आपने इतना छोटा टमाटर देखा है कहीं? बहुत खट्टा और बढ़िया होता है ये। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी के साथ चलते हैं हम नीचे। और किसने 9 दिन का व्रत रखा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। माता रानी का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे। इसी के साथ ये वीडियो मैं अब रखती हूँ। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए पत्ता सूख गया था तो मैंने तोड़ दिया। धन्यवाद दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए।